प्रेस्क्रिप्शन आउ एक अध्याय को आपण समस्तंकु स्वागत करुछि मु निवेदिता। दर्शक बंधु, स्वास्थ्य ही संपद आउ प्रत्येकटी मनुष्य निज स्वास्थ्य प्रति जत्नवान हेबा निहाति आवश्यक। हेले समय अभाव रु आमे आम स्वास्थ्य प्रति सेतिकि गुरुत्व देउनाति जेतिकि देबा आवश्यक। तेणु खास सेति पई आपणकु जे कोनोसी रोग सम्बन्धरे सचेतन कराइबा पई आमरे स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेस्क्रिप्शन। दशबंधु, ऑटिज्म जहाँ ओडिया रे सो परायणता बोली कहा जाए, यह हेउची शैशव अवस्था रे देखा देउथिबा मस्तिष्क विकास संबंधी एक मानसिक समस्या। ए समस्या थिले पिला माने अन्य लोक मानक सहित सामाजिक भाव विनिमय करि पारंती नाही। भारत रे पाखापाखि 50 लाख पिला ऑटिज्म रोग द्वारा आक्रांत। तेबे ऑटिज्म कोन, एहार कारण, लक्षण और चिकित्सा विषय रे आसंतु जानिबा इने अधिक परामर्श देबा पई आज आम सह स्टूडियो रे उपस्थित अछंती जने अभिज्ञ डाक्टर। आम सह अछंती वरिष्ठ श्रवण एवं बाक चिकित्सक डाक्टर स्वरूप विकास मिश्र। सर नमस्कार, स्वागत करुछी प्रेस्क्रिप्शन को। नमस्कार। अच्छा, मुझे जमी कहते आज एक इम्पोर्टां टपिक अच्छे ऑटिज्म। बहुत पिला क्षेत्र में ऑटिज्म समस्या रोचे, कि बड़ कथा हो प्यारेन्ट्स जापारती। तो डॉक्टर मिश्र, प्रथम तो आपण को प्रश्न ऑटिज्म कहले मेडिकल टर्म्स कौन बुझा? ऑटिज्म गोटे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो थे कि पिलार सोशल फंक्शन है, कम्युनिकेशन है, कौटी आमर जो दैनंदिन नित्यदिन काम कर डेली लिविंग एक्टिविटी रे से कौटना कौटी सब अन्य पिला पछुआ थाए। तो ऑटिज्म निर्दिष्ट डेफिनेशन जब आम जाट्स ए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो आप ऑलरेडी कहले स्वपरायणता मानने पिला ए एनवायरनमेंट रु निजक विथड्र करे तार निजर गोटे जगत व निजर गोटे एनवायरनमेंट क्रिएट कर हजि जाए ए दुनिया सहित कौन सी प्रकार जमी कह बापा बापमा डाक इमोशन शो करवा निजर पे संगे मिसा सोशल बा इमोशनल जमी नॉर्मल बिहेवियर शो करवा से पारे ना। तो मेनली आम कहे ऑटिज्म ये पिलानुकु आम जनरली कहूँ ऑटिज्म हूँ गोटे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो थे पिलार मानसिक विकास बा ज्ञानर विकास हो पारे ना। डॉक्टर मिश्र, ऑटिज्म कहले आपत कहते पूरा डिटेल्स कहते कि गोटे साधारण पिला ऑटिज्म पिला भितर फरक कौन आम देखिपर? साधारण पिला देखो आप जो ना धर डाके से पिलाटी रेस्पंड कर आज्ञा कह मुह बुले देख आखि टू आखि मिसेब आपन को सोशल स्माइल दब कि ऑटिज्म पिला ये व्यतिक्रम देखा जाए जो ना डाके से रेस्पंड करेंगे ना। प्रथम लक्षण है डज नट रेस्पंड टू नेम कलिंग जिते ना डाक जिते जोर डाक बेले पिला रेस्पंड कर बेले पिला रेस्पंड कर ना। प्राय देखा जाए स्टडी बर्षे 6 मास बर्षे 8 मास पर यह सिम्टम स्टार्ट होता है। प्रथम सिम्टम जमी आप ना को रेस्पंड नक द्वितीय सिम्टम्स हूँ आप आखि को आखि न मिसेबा आपत हसिक किसी हालुहाय कले सी आप रेस्पंड नक। तो यही भाव में बहुत किसी सिम्टम्स अच्छे 8-10 सिम्टम्स अच्छी जो डिस्कसन करवा जे 8-10 सिम्टम जो पिला भितर देखा जाए तो आम से पिला को भाव ऑटिज्म अच्छी। आज्ञा। तो डॉक्टर मिश्रा, आउ गोटे कथा जमी आप ऑटिज्म कथा कहले नॉर्मल सिम्टम्स एमती किसी थाए कि आम विभिन्न रोग में विभिन्न प्रकार लक्षण देखी था तो सेमती किसी सिम्टम्स अच्छी जहाद्वारा कि मैंने अभिभावक जापर पिलार जे किसी समस्या रोचे कहीं हठात गोटे छोट पिला जाणी मुस्किल थाए कहीं अनेक पिला क्षेत्र में देखी पिला डेरी में कथ कहते अन्यमनस्क रुं निज इच्छे काम करती क्या अनाती ना बहुत पिला क्षेत्र में गोटे साधारण देखा मिले। तो सेमती सिम्टम्स कौन ऑटिज्म आम कहपर? जदि गोटे न्यूली पेरेंट्स को देखा एवं जहाँ आम रिसर्च रु देखुचे कत पेरेंट्स कौन जो पिलार पिलादिन ही सिम्टम्स अच्छी तो पिलादिन कौन सिम्टम्स अच्छी जदि आम जानवाक चाहिए तेल 6 मास पिला गोटे बैबलींग साउंड कै साउंड कै किसी पिला जो मैंने ऑटिज्म मैंने भावुजे ये पिला ऑटिज्म डेवलपमेंट हो पाए तो से बैबलींग साउंड टी करते ना जो प्रथम स्पीच साउंड करते ना। सेकेंड हूँ जो गोटे साउंड को डुप्लिकेसन करवा गोटे पर्टिकुला टयज को लेकिन नर्माल वे गोड़ में हाथ में खेल से फंक्शन से माने करी पारंते नहीं छोटो पिला क्षेत्र में। जदि आम देखा बर्षे 8 मास जो सिम्टम्स टी बाहर से पिला माने जब लक्ष्य करेंगे से माने बर्षे बा बर्षे 2 मास बापा माँ डाकिबा स्टार्ट करते कि कौन से एक निर्दिष्ट कारण से कारण डिस्कसन करवा कौन से एक निर्दिष्ट कारण से प्रथम सिम्टम्स टी है से टीवी देखती मोबाइल देखती सब साउंड को रेस्पंड करते कि निज ना को रेस्पंड करते ना आखि को आखि मिसती ना केत पिला गोड़े टो वाकिंग स्टार्ट करती। थर्ड हूँ ऑड प्ले
ସେ କ'ଣ ସବୁ ଟଏଜ୍ ଧରିକି ପ୍ରପର୍ଲି ଖେଳନ୍ତିନି, ସେ ଟଏଜ୍କୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ କାର୍ଟା କାର୍ର ଚକଟାକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଖେଳିବା ବା ହୁଇଲ୍ଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଏମିତି ଘୁରେଇଲା ଭଳିଆ ଦେଖିବା, ନିଜେ ବଡି ସର୍କଲ୍ରେ ବୁଲେଇବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାକୁ ଗେଜ୍ କରିକି ଦେଖିବା, ତ ସେମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇଭଳିଆ ବିହେଭିଅର୍ ସୋ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେ ବିହେଭିଅର୍ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ପିଲାଟି କାହିଁକି ଆମ ନର୍ମାଲ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହିଁ, ନିଜେ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ ଯିବା ବା ଗୋଟେ କିଛି ସାଇନ୍ ବା ଜେଷ୍ଚର୍ ଦେବା ଯେ ମୋତେ ଟଏଲେଟ୍ ଲାଗିଲାଣି ବା ମୁଁ କିଛି କରିବି, ଏଇଭଳିଆ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଡେଲି ଲିଭିଙ୍ଗ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବା, ତାର ସେମ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବା, ସେମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଦେଖାଦେଉଛି ତାହେଲେ ପିଲାର ଅଟିଜମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। ତ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଅଟିଜମ୍ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆର ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ ସବୁ, ତ ମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଆର କ'ଣ, କେତେବେଳେ ଥେରାପିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନା ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ମେଡିସିନ ଅଛି ଯାହାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାକୁ ଭଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ମେଡିସିନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପେଡିଆଟ୍ରିସିଆନ ବା କ୍ଲିନିକ ଆମର ଯେଉଁ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି କିଛି ମେଡିସିନ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ଦ ବିହେଭିଅର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ନହେଲେ ଏମିତି କିଛି ମେଡିସିନ ନାହିଁ ଯେଉଁ ମେଡିସିନ ଦେଲେ ସେ ନର୍ମାଲ ହେଇଯିବ, ନର୍ମାଲ କଥା କହିବ, ସେମିତି କୌଣସି ମେଡିସିନ ନାହିଁ। କିଛି ପିଲା ବିହେଭିଅର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଛେପ ପକାଇବା, କାହାକୁ ମାରିବା ବା ନିଜର ମୁହଁକୁ ରାମ୍ପୁଡ଼ି ଦେବା ବା କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିହେଭିଅର ସୋ କରିବା, ସେ ବିହେଭିଅର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲେ ହିଁ ମେଡିସିନ ଦେଲେ କିଛି ପରିମାଣରେ କମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଥେରାପିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଥେରାପିଟି ହେଲା ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ବିହେଭିଅର ଆନାଲିସିସ୍, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ବିହେଭିଅରାଲ ଥେରାପି। ସେକେଣ୍ଡ ଥେରାପି ହେଲା ଆମର ଅକୁପେସନାଲ ଥେରାପି, ଯେଉଁଟା କରନ୍ତି ସେନ୍ସୋରି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଥେରାପି। ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଥେରାପିଟି ହେଲା ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପି। ଏଇ ତିନୋଟି ଥେରାପିର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇ ତିନୋଟି ଥେରାପି ଦ୍ୱାରା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଟି କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିପାରିବ, ଯଦି ତାର ଅଟିଜମ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯଦି ତା ପଛରେ ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ ଗାଇଡାନ୍ସ ନେବେ, ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଠୁ ଗାଇଡାନ୍ସ ନେବେ ଏବଂ ଘରେ ଲାଗିବେ, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ପିଲାଟି ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିବ। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଥେରାପିର ପ୍ରୋସେସ କିଛି ଥାଏ କି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଥେରାପି ନେବାକୁ ପଡ଼େ? କାହିଁକି ନା ଜାଣିବେ କେମିତି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି, ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଛୋଟବେଳେ ବି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବି ପିଲାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏମିତି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତ ଥେରାପି କେବେଠାରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ କେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ହୁଏତ କିଛି ଆମକୁ ପଜିଟିଭିଟି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ମିଳିପାରେ? ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ବର୍ଷେ ଛଅ ମାସ ବା ଆଠ ମାସରେ ମୋ ପିଲା ଆଗରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ କହୁଥିଲା, ଆଗରୁ କିଛି ବାପା ମା ଡାକୁଥିଲା, କିଛି ୱର୍ଡ କହୁଥିଲା, ଏବେ କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ସଡନ୍ ରିଗ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍, ତ ସ୍ପିଚ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲା? ଆପଣ ଲେଟ୍ ନ କରି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପିଷ୍ଟକୁ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦେଇ କହିପାରିବେ ଯେ ପିଲାଟିର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି। ତାହା ସହିତ କିଛି କିଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ନୋଇଙ୍ଗଲି ଟିକେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଦୁଇ ବର୍ଷ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ପରେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଆର ଅଟିଜିମ୍ ଅଛି, ତ କ'ଣ କ'ଣ ଥେରାପି କରିବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱେ କହିଦେଉଛି ଯେ ବର୍ଷେ ଆଠ ମାସରୁ ଯଦି ଏ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା, ଆପଣ ପିଲାକୁ ଲେଟ୍ ନ କରି ଦୁଇ ବର୍ଷ ବା ବର୍ଷେ ଆଠ ମାସରୁ ହିଁ ଥେରାପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। କିଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କର ସିଟିଂ ଟଲରାନ୍ସ ନଥାଏ, 45 ମିନିଟ୍ ୱାନ୍ ଆୱାର ବସି ଥେରାପି ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେ କାପାବିଲିଟି ଅଛି, ଆମେ ସେ ପିଲାକୁ କେମିତି ଖେଳେଇ ହେଉ, ପ୍ଲେ ଥେରାପି ମେଥଡ଼ରେ ହେଉ, ତାକୁ ଯେମିତି କଣ୍ଡିସନିଂ କରିକି ହେଉ, ପିଲାକୁ ଆମେ 40-45 ମିନିଟ୍ ବସଉ, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାର ଆଟେନସନ୍, କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଆଇ ଟୁ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ୍ କରେ, ସେ ପିଲାଟି ରେଡ଼ି ହୁଏ ଥେରାପି ନେବା ପାଇଁ। ତ ଥେରାପି ନେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଲେ ଯାଇକି ପିଲାଟି ଥେରାପି ନେବ, ତ ଆମେ ଲେଟ୍ କରିବା, ଯେତେ ଲେଟ୍ କରିବା ପିଲାର ସେତେ ବିହେଭିଅର ଇସ୍ୟୁ ବାହାରିବ, ସେତେ ଅଟିଜିମ୍ର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ପସିବଲ୍, ବଟ୍ ବର୍ଷେ ଆଠ ମାସରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେବେ ବି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ପିଲାକୁ ଥେରାପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥେରାପି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ତେଣୁ ଥେରାପି ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ଥେରାପିଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ମୋତେ ପ୍ରପର୍ଲି ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଘରେ କରୁଛି, ତ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପ୍ରୋସେସ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପିଲାକୁ ସେଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବାରମ୍ବାର 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 ଘରେ କରିବା। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଜଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ ଥେରାପି ଦେଇଦେଇ ସେମାନେ ହୋପ୍ ବି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଓକେ, ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ବାଲୁଗାଁରୁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର? ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଟିଜମ୍ର ସିମ୍ପଟମ୍ସ କି, ଅଟିଜମ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କି? ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ? ପିଲାର ବୟସ କେତେ? ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାର ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଯେକୌଣସି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଯିଏ ପେଡିଆଟ୍ରିସିଆନ୍ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆର ଅଟିଜମ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି, ତ
ताले ताकु लेट न करे जने बाक एवं श्रवण विशेषज्ञ जो माने अछंती स्पीच थेरापिस्ट तांकु देखांतु किंबा ऑक्युपेशनल थेरापिस्ट जदि थिबे बा प्राय तो ओडिसा रे कम अछंती तने तांकु मध्ये आपण देखै परिबे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को मध्ये देखै परिबे जे कोनोसी डॉक्टर को देखै कि आपण फर्स्ट एनालिसिस करंतु जे काहे कि पिलाटी कथा कहू नाही कि जदि 8 वर्ष हो गेलानी ताले इमिडिएट आपण स्पीच थेरापिस्ट देखा करंतु एवं असेसमेंट कर देखंतु पिलार कोन असुविधा अछि। धन्यवाद मैडम कॉल करथिबारु। डॉक्टर मिश्र जेमती जने कॉलर फोन करले 8 वर्ष तांको पिला को हेलानी तो एमती जदि विलंब हुए ट्रीटमेंट रे जदि परिवार लोक जानी पारु ना तले कोन सब समस्या होई पारे? समस्या से पिला आउ नॉर्मल जेमती गोटे पिला हमर दैनंदिन व्यवहार करूची हेलो हाय रेस्पोंड करूची नमस्कार करूची नॉर्मल पाठ पढ़ुछन सेगुडा को करि पारंती नाही कोठी ना कोठी तांकर लेट हे जाय तो तांकर सेम पिला मानन से पीयर ग्रुप सहित से इंटरेक्शन करि पारंती नाही तेनो से माने कोन करन ना किछ किछ लेट हेबा द्वारा से माने से एजुकेशनल अचीवमेंट हो बा हमर डेली लिविंग एक्टिविटी हो से करि पारंती नाही तो फल रे कोन होबो ना आपण निश्चित भाबे किछ दिन पर फॉलो भाबीबे जे पिलाटी मते किछ अबनॉर्मल रछि किंतु अबनॉर्मल इन द सेंस कौन ना से पिलाटी तार एज पिला मान संग कोऑपरेशन कोऑपरेट कर पारु नाही बा से लेवल रो काम कर पारु नाही तो लेट हे जीव एवं परवर्ती मुहूर्त से पिला बिहेवियर प्रॉब्लम शो करइबो घरे डिफरेंट जोटा नॉर्मल माने नॉर्मल लाइफ को फेरिबा संभव बहुत डिफिकल्ट हो स्पेसिफिकली सब पेरेंट्स जानि मो पिला केबे कथा कहबो मो केबे नॉर्मल स्कूल को जीव सेटा एक बड़ डिबेटेबल जिंस से विषय गुडा को पिला केबे करि पारिबो नाही जदी हमें लेट करबा। ओके डॉक्टर मिश्र आया मध्य जानिबा को चाहिबु जे मो मन रे मध्य प्रश्न अछि मो बहुत लोकों मन रे प्रश्न मध्य अछि आ एटा भी प्रूफ हे सारी छि जे कोविड परे जो पिला माने जन्म होइ छथि मैक्सिमम केस रे पिलांकर ए समस्या रहु छि तार आंसर मध्य मो आपन रे जानिबा को चाहिबे किंतु दर्शक बंधु समय एक छोटिया ब्रेक रो ब्रेक परे खूब शीघ्र फेरिबु ता पूर्वर कहि रखिबि जदि आपन को घरे एमति किछि पिलांक क्षेत्र रे समस्या देखु छथि ताले हमकु सदाशक कॉल करि परिबे स्क्रीन रे फ्लैश होतबा नंबर एवं डाक्टर को सहित कथा हे परिबे। मिश्र पुनतर आसीबे आपन को पाक को दीर्घ समय धरि जने कॉल हमको अपेक्षा करछन्थे हम सहित अछन्थे दुर्गा बाबू अनुगोलु आज्ञा स्वागत करछु आपनको प्रिस्क्रिप्शन को कोन प्रश्न रहिछ कोन्तु हेलो नमस्कार नमस्कार मैम मु जानिया जों कि मो कोविड से को कष्ट वर्ष रानी जो ता जो कोछनि ऑटिज्म आउ एडीएचडी से डिफरेंस कोन अच्छा देखो ऑटिज्म आउ एडीएचडी भीतर बहुत फरक अछि। ऑटिज्म पिला साधारणतः निज ना को रेस्पोंड करे नहीं बा प्रिटेंड लाइक डेफ निज माने अपन कविता ना डाकिली बा मु ताको किछ कमांड कहूची से कमांड को फॉलो करे नहीं किंतु एडीएसडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर पिला केते केते समय रे निज ना को रेस्पोंड करंती किछ कमांड को रेस्पोंड करंती किंतु बहुत समय रे सन रेस्पोंड करंती नहीं एवं हाइपर एक्टिव एथि पई जे से माने बहुत जगह रे गोटे जगह रे 5 मिनट 10 मिनट बसंती नी दौड़ा दौड़ी करंती सेपर चढ़ी गलेनी एपर डेम पड़लेनी कोठी सीढ़ी ऊपर चढ़ी गलेनी तो गोटे जगह रे कंटिन्यूअसली बसी पारंती नहीं तो बहुत किछ देखा जाय छी ऑटिज्म पिलांक भीतर एडीएसडी सिम्पटम्स थाए किंतु एडीएसडी पिलांक भीतर ऑटिज्म सिम्पटम्स प्राय तो न थाए तो एति कहो डिफरेंस जे आमे जदि चिंता करिबा आईक्यू इंटेलिजेंस दृष्टि रु ताल दुईटा को पिलांक भीतर इंटेलिजेंस पाखा पाखी समान थाए किंतु एमान पाखरे हाइपर एक्टिव अटेंशन रो डेफिसिट थाए सेमान पाखरे किछि निर्दिष्ट अन्यन्य सिम्पटम्स थाए। ओके धन्यवाद दुर्गा बाबू कॉल करथिबारु आशा करछु जे आपनकर प्रश्न जहा थिला डॉक्टर तार उत्तर मध्ये रखिले। डॉक्टर मिश्र मु जंदी ब्रेक पूर्वरु कहतली जे कोविड टाइम रे जो पिला जन्म होइछन्दि बा कोविड परे मैक्सिमम पिलांक केस रे ए ऑटिज्म प्रॉब्लम रहूची काहे कि भल क्वेश्चन पचारे तो ये दुईटा जिनस अच्छी जो मैंने कोविड रे जन्म हेले से माने बहुत टैंपर हो गले इनफेक्शन हो जा भय पेरेंट्स माने तांको घर बाहर को काढ़े ना एवं से माने घर भितर रखिले से चारिकांत भितर ही पिला को रखिले जो आजिकल न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट आपारती इवन इफ से पिलाटी केवल माँ सांगे इंटरेक्शन कला से भी माँ भी जब तार जॉब रे जाउची बा ड्यूटी करुच्ची पिला का सांगे इंटरेक्शन कराया समय पाइला ना अन्य पिला मान सांगे माँ भी मतलब छाड़ा ना का इनफेक्शन हो किसी पलै आस तो से बहुत किसी ऑटिज्म बढ़ी जा किंतु आउ गोटे भल कथा कही रखे जो मानक ऑटिज्म सिम्पटम्स डेवलप होता कोरोना पूर्वर से माने बहुत किसी मात्रा रे इंप्रूवमेंट कर केमिति ना जदि सब जने बेंगलोर रहउतिले बा फॉरेन रहउतिले से माने तांकर ग्रैंड पेरेंट्स तक को पळे आछन्ती कोनोसी कारण बस तो जाई परि नहंती से माने सेहिठारे बहुत रे इंटरेक्शन बापा मा जेजे बापा मान संग मिसी बा पिला मान संग मिसी बहुत किसी इंटरेक्ट कर तांकर डेवलपमेंट भी हे गलान तेनु एटी दुइटा जिंस जरा कहली आपन को ऑटिज्म जे जो समय पिला जन्म होई छन्ती साले से मानकर अधिक केयरिंग अधिक पैंपर जोगु पिला को समय दे पार नहंती बा पिला को अन्य पिला मान संग खेलिया पे आपन अपॉर्चुनिटी एग्जाम जिते अपॉर्चुनिटी दबा कथा सते देई पारि नहंती सति पई पिलाटी बोधे ऑटिज्म सिम्पटम डेवलप करी छी। एग्जैक्टली ओके डॉक्टर मिश्र आ जने कॉलर अछन्ति दसपलारु आज्ञा स्वागत करू छी आपन को प्रिस्क्रिप्शन को कोन प्रश्न रहै छी कोन्तु
मो अनुरोध करबी जेतबेले हमकु कॉल करछनी दयाकरी आपन टीवी थारु दूर को जे कॉल करंतु एवं नेटवर्क थिबा एरिया रे कॉल करंतु ताले आमे आपनको प्रश्न सटिक भाबे सुनि पारिबु आपन मते सुनि पडछनी आज्ञा आज्ञा कोनतु कोन प्रश्न रहै छै आज्ञा पिला को 2 वर्ष 18 का गुरु 2 वर्ष पिला को ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ ପିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଦଶପଲା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନୟାଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ପିଲାର କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଧାନର ବାତ୍ର ବତେଇବେ ଆଉ ଯଦି ତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବାକ୍ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଥିରେ ओके तो आउ डेरी करबा उचित भी नुहे 2 वर्ष ऑलरेडी होई गलाणी तेनो समय जमा भी नष्ट करंतु नी तुरंत जाई डाक्टर को परामर्श करंतु तो डॉक्टर मिश्र आउ गोटे कथा जे साधारण तो माने प्रेगनेंसी टाइम रे बहुत गुडे समस्या आसे कॉम्प्लिकेशन आसे ताको सामना करबा को पड़े जदि प्रेगनेंसी टाइम रे कोनोसी समस्या रहउचे ताहाले पिला उपरे इतार प्रभाव पड़े कि आउ ये ऑटिज्म रो कारण होई पारे कि तार निर्दिष्ट कारण नाही किंतु आमे जहाँ रिसर्च रू फाइंड आउट पाइछु जदि आजिकालीर मदर मानकर आमे नबा जेमती प्रेग्नेंट समय से माने अल्कोहल नबा बा स्मोकिंग करिबा बा कोनोसी प्रकार अन्यन इन्फेक्शन सबा तो जेमती मम्स मिजल्स रुबेला इन्फेक्शन सबा किछि भी जदि किछि प्रेग्नेंट समय किछि प्रॉब्लम हेछि तार पिला अबनॉर्मल हेइ पारे बा कोनोसी प्रकार रो क्षति पिला को पहुँचाई पारे तो ऑटिज्म डेवलपमेंट करिवार सेमती निर्दिष्ट कॉज नहीं यही इनफेक्शन टी हेले बा यही जिनसटी नेले मार प्रेग्नेंट समय पिला ऑटिज्म क्रिएट हो सेमती किछि नहीं बट हाँ गोटे मु आपन कंक्लूसिव एविडेंस दे पारे जे जदि मा माने प्रोन टू स्मोकिंग बा ड्रिंकिंग बा अन्यन आजिकल लाइफस्टाइल जदि प्रॉपर भल लाइफस्टाइल नहीं ताले हुए तो पिलाटर निश्चित भाव तार मस्तिष्क रे किछि प्रकार रो व्याघात पहुँचे तार डेवलपमेंट ठीक से हुए नहीं एवं जेहेतु न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्रिएट हुए तेणु आम कही पारा जे हाँ जदि प्रेग्नेंट समय किसी त्रुटि देखा जाए ताले यह ऑटिज्म मध्ये क्रिएट करी पारे ओके डॉक्टर मिश्र समय जेतु सॉरी असलानी जने कॉलर अछन्ति तांको कॉल टे नै जिबा नयागढ़ रो जने कॉलर अछन्ति स्वागत करू छी आपनको प्रिस्क्रिप्शन को कोन प्रश्न रहै छी कोनतु हां सर नमस्कार नमस्कार सर हम को को हेलानी 15 16 वर्ष तुसे पक्का कहले मानु छी जटा 15 16 वर्ष हे गेलानी ए मानु नि कथा जम यदि 15-16 वर्ष हेलानी तार कथा मानुनी ताहले आपण प्रथमे तार देखंतु जे कोन असुविधा रहिची तो असुविधा आपण 15-16 वर्ष पिला कहले आपण फर्स्ट गोटे न्यूरोसाइकेट्रिक डॉक्टर देखंतु कोन असुविधा रहउची से जदि कहबे ना आपण स्पीच थेरापिस्ट को देखा करंतु बा अन्यन हियरिंग असेसमेंट करंतु जहां भी करंतु तार आपण करि परिबे किंतु 15-16 वर्ष पिला को आमे स्पीच थेरापी दे तार नॉर्मल डेवलपमेंट करि परिबानी तने मु बेटर आपण सजेशन देबी आपण जने न्यूरोसाइकेट्रिस्ट को देखा करंतु ओके धन्यवाद मैडम कॉल करथिबारु डॉक्टर मिश्र लास्ट प्रश्न आपनको रहइबो जे ऑटिज्म माने जो समस्या ई कंप्लीटली भलो हे पारिबो जदे सटिक समय रे ट्रीटमेंट करा जाय पूरा क्यो जने क्योर हे पारिबा हमें कहि पारिबा मोर एक्सपीरियंस 12 वर्ष एक्सपीरियंस रे मु आजि पन देखि छि जो पेरेंट्स माने सचेतन एवं से माने हमकु वर्षे 6 मास वर्षे 8 मास रे देखा करि छथि एवं प्रॉपर्ली लॉन्ग टर्म थेरेपी नै गाइडेंस नै छथि तांकर पिला माने आजि नॉर्मल स्कूल रे मते भुवनेश्वर पढ़ु छथि एवं नॉर्मल किछि कोनोसी मात्रा आपण जानि परबे नै पिला किछि अबनॉर्मल थिला बोली बट जो मानकर लेट हे जाय जो माने 3.5 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष परे आसु छथि एवं से माने मध्यम गुटे जागा रे स्टिकन होउ नथि जे थेरेपी आजि एठी नेले काली आउ 6 मास परे आउ गोटे कोठी तापर आउ 6 मास आउ गोटे कोठी तल से पिलार टाइम टी इंपोर्टेंट जो क्रिटिकल स्टेज से स्टेज टी चली जाए एवं पिलार डेवलपमेंट होई परे नहीं तो ब्रेन डेफिनेटली 5 और 6 वर्ष परे क्रिटिकल स्टेज परे आउ सेति रिसीव करि परे नहीं तेनु डेफिनेटली से माने नॉर्मल लाइफ को आसी परंती नहीं किंतु यदि मु कहिबी एठी पेरेंट्स मानंकु गोटे कथा मु कहिबी आपन सचेतन हुवंतु एवं पिलाटी को यथा शीघ्र आपन स्पेशलिस्ट को देखै थेरापी नै कंटिन्यू ता पछरे लागंतु एवं कोन आपन को द्वारा लाकुना हेतला जेमदि आपन पिला को समय देइ नथिले मोबाइल टीवी देखै थिले से मोबाइल टीवी को कंप्लीटली अवॉइड करंतु एवं पिला को यथेष्ट समय दियंतु एवं प्रॉपर थेरापिस्ट को सहित आलोचना करी तार गाय तांकर गाइडेंस नियंतु एवं पिला को थेरापी दियंतु एक्जेक्टली माने पिला को टाइम दबा दरकार आ बेसिकली जो माने ऑटिज्म पिला रहै छथिं तांको समय दबा दरकार सहित सटिक समय रे ट्रीटमेंट करैले कंप्लीटली भलो भाबे संभव नै मोबाइल टीवी को अवॉइड करंतु खाइबा समय रे स्पेसिफिकली पिला खुआइला समय रे टीवी मोबाइल देखंतु नाही एटा मोर गोटी अनुरोध रहइबो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्र आपन समय बाहर करी आसीले हम कार्यक्रम में शामिल हेला एते सुंदर परामर्श दउथिले जो कलर माने कॉल करथिले विशेष कर जो दर्शक माने देखुथिले निश्चित भाव रे ऑटिज्म को नहीं बहुत गुडे कथा से माने आज जानिबा को पाइथे बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्र धन्यवाद
दशबंधु नवजात शिशुर प्रथम आहार हेउछि मा क्षीर। छ मास जाए शिशु को केवल मा क्षीर देबा आवश्यक। तबे छ मास परे पिला को केउ भले खाद्य देबा उचित एने आज आमे प्रेस्क्रिप्शन रो नुवा सेगमेंट डॉक्टर टिप्स से जानिबा। छ मास परे शिशु को कोन खुआइबे परामर्श देबे कलिंग हॉस्पिटल्स रो विशिष्ट शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ईसा पंडा। नमस्कार, मुँ हेली डॉक्टर ईशा पंडा, पीडियाट्रिक कंसल्टेंट एंड न्यूरोलॉजिस्ट कलिंग हॉस्पिटल भुवनेश्वर। आज आम कथा हवा छ मास पूरा पिला कौन खाद्य देपर। छ मास जाए पिला माँ को मार खाली क्षीर दबा कथा, बाहर किसी भी खाद्य छ मास पूर्व आमको स्टार्ट करवा कथा नुहे। ये छ मास एजटा कहीं फिक्स करूँ कि जहाँ हेल्ली फिडिंग दबाक पड़ो मार यहीपाई क्या छः मास जाए पिलार इम्यूनिटी बहुत कम थाए। प्रथम जिनस तो बाहर किसी भी खाद्य देले पिला से हजम करपारती आँ क्षीर जी इम्यूनिटी मिले जीक एंटीबॉडीज जोटा कि माँ देहरे थाए से गुड़ा सब शिशु देह को जाए विभिन्न रोगर ताक बचे पार। छ मास बेलू पिलार टिके टिके दांत आसवा आरंभ हुए जोटा कि प्राय सात मास बेलू को आसे। तो पिला खाइबा गोटे गाढ़ा खाइबा ढोकी पार आगे पिला पाटी चल पार जोटा कि चोबेला भाया करें। पिलार डेवलपमेंट को देखिकी छ मास टाइमटा फिक्स कराई था कि आम पिला खाद्य आरंभ कर। तो ये क्वेश्चन है कि आम कौन रू स्टार्ट कर। फर्स्ट आमको दिन को थे खाइबा स्टार्ट करार अच्छी गोटे टाइम रे गोटे ही नुआ जिनस इंट्रोड्यूस करिवार अछि। धरंतु आमे आरंभ करले कदळी जोटा कि बनाना सेटा को आमे भलरे मैश करिकि टिके नरम करिकि पिला को स्टार्ट करिवा कथा खाया को दबाकु। तो 6 मास रु 8 मास वयस जाय पिला प्राय 60-70% 60-70% मार क्षीर पीब आउ 20-30% ऊपर खाइबा खाइब। तो पिला को फर्स्ट आमे दिन को थरे खाया को दबा, धीरे धीरे ताको आमे बढ़ेकी दिन को दि थर रु तीन थर जाए खाया को दे परिबा। खाइबार क्वांटिटी आरंभ हम गोटे बड़ चामच रु नहीं कि गोटे 250 ml रो गिनार 1/4 गोटे कि जोटा कि आमे कहू कि अधार भी अधा से पिला गोटे थर रे खाइबा कथा। एबे आमे कौन कौन खाया को दे परिबा, प्रथम आमे फ्रूट्स रु आरंभ कर परिबा जोटा कि फल नरम फल जमती कि कदळी हेगला आपल को सीझे कि आमे दे परिबा, नाशपाती को सीझे कि दे परिबा, आंब दे हबो, पाचिला अमृतभंडा दे हबो, ता संगे चिकू भी दे हबो, ए गुडा सब नरम फल। ता संगे रे आमे भात आरंभ कर परिबा, भात को सीझे कि ताकु बेसी भल रे ताकु नरम करिकि तापर ताकु चपटी कि पिला को आरंभ कर परिबा। गोटे थाए कि पिला को डाली पानी रु आरंभ करिबा, किंतु डाली पानी आमको दबा कथा नुहे। डाली को भल रे सीझे देकि ताकु टिके गाढ़ा कर देकि तापर सेटा पिला को खुआइबा कथा, काईना भात पानी जोटा कि पेज आउ डाली पानी रे सेतिके कैलोरी कि न्यूट्रिशन न थाए जोटा कि पिला को आमको इनफ न्यूट्रिशन दे परिबो। तापर आम अन्य पर भी आरंभ करपरिया जमती कि सीझा आलू हैला, बीन्स हैला, मटर हैला, से गुड़ा सब देपरिया जोटा ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स हैला, पालंग हैला, से गुड़ा को सीझे की भी आम देपरिया। जहाँ भी परिबा कि फ्रूट्स आम सीझे कि चकटिक दौचु सेटा को आम मिक्सर कि ब्लेंडर रे घोल न करी चेष्टा करवा कथा हाथ में चकटिक दबा को। तापर क्वेश्चन है कि कौन कंसिस्टेंसी थी कथा, पिला को पूरा पानिया करके डाली पा कि भात पा दबा कथा कि केते गाढ़ा करके दबा कथा, तो तार ठीक कंसिस्टेंसी है जोटा आम को घी भाया कनसीस्टेन्सी। तापर 9-12 मास जाए पिलार 50% खाइबा आसवा कथा माँ क्षीर रु, बाकी 50% रहा कथा जोटा कि उपर खाइबा जोटा कि आपण भात डाली इवेन आम जो मांडिया आम कहूँ सेटा गोटे बहुत भल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन जो थे कि आयरन और कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा रे थाए। तो पिला को सही प्रकार खाइबा दबा कथा जोटा आगो को जाए कि आपन को दे परिबे माने जहाँ घरे रंधा होमती कि आमर ओडिया ये भात डाली परिबा सीझा एगुड़ा सब दबा कथा। तापर जितेबले पिला गोटे वर्ष पूरी सेते बेलू पिलार जमा 20-30% न्यूट्रिशन जोटा से माँ क्षीर रु आस बाकी 60-70% खाइबा सी पूरा उपर खाइबार जीव। तो बर्षे रु 2 वर्ष बयस भितर घरे जहाँ खाइबा रंधा हो पिला को से ही खाइबा दिंतु आउ बर्षे पूरला पिला को पाया खाइबा कि पूरा चपटा खाइबा देवेनि, पिला को टिके खदड़ा खाइबा दबा आरंभ न करले पिला आगो को जाए कि सेतिके खाइपरिबेनि। धन्यवाद। दर्शबंधु समय सरी प्रेसक्रिप्शन को ये रखुचु, पुणी देखा आगामी एपिसोड में आज जो अभिज्ञ डाक्तर से पर्यटन मत विदा दिंतु। नमस्कार।